हाय गाइस, फिर से आपको स्वागत है। गाइस, आज हम क्या करेंगे, थोड़ा आज ग्रामर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि वोकाब सब नहीं सीखेंगे आज। तो क्या करेंगे सर आज? गाइस, आज हम जानेंगे सर, बहुत सारा लोग बहुत सारा बात बोलते हैं, जैसे कि सर ये करो वोकाब याद रहेगा, उसको रट्टा मार दो वोकाब याद रह जाएगा, और कुछ बुक्स पढ़ दो, इसको रिपीटेडली पढ़ो, उसको भी बुक वोकाब याद रह जाएगा। ऐसा होने से तो याद रहता है, मना नहीं करता हूँ, याद नहीं रहता, याद रहता है, बट वो टेम्पररी हिसाब से याद रहता है। ये जो वोकाब्स हमारा है ये सर टेम्पररी हिसाब से याद रहता है, बट परमानेंट नहीं रहने वाला याद। ठीक है सर, ये क्या बात है सर? हाँ ये है, क्योंकि हम मैं आपको आज ऐसा एक ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो ट्रिक्स के माध्यम से आपको ये जो वोकाब्स है ना, ये लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। ठीक है सर, कैसे है ट्रिक्स है सर? गाइज, आप एक चीज को रट्टा मारो, टीचर हमको बोलते हैं सर जी रट्टा मार दीजिए, हाँ याद रह जाएगा, 2-3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना याद रह गया, एग्जाम खत्म होने के बाद वो गया माइंड में बाउंस, खत्म। सर वही तो होता है, हाँ वही तो होगा ही, बिकॉज आप जो काम आप टेम्पररी के लिए करोगे, गाइज आप जब एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो एग्जाम के लिए ही याद रहता है, एग्जाम के बाद माइंड में हो गया बाउंस। ठीक है, बिकॉज वी आर लर्निंग फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बट नॉट द फ्यूचर ओरिएंटेड। गाइज बेसिकली सच 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 की बात यह है गाइज, हम जो पढ़ते हैं ये एग्जाम के लिए ही हम पढ़ते हैं, बट एक्चुअली फ्यूचर के लिए नहीं पढ़ते हैं। जो चीज एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वो एग्जाम तक ही याद रहेगा, फ्यूचर तक याद नहीं रहेगा। ये तो सही बात है सर, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वोकाब्स कैसे याद रखेंगे? हाँ ये सबसे अच्छा पॉइंट, ये मुझे अच्छा लगा। गाइस करना क्या है, गाइस मैं आपको आज एक 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ये थी जो ये जो 3 ट्रिक्स है आपका लाइफ में, ये सारा सारा का सारा बहुत सारा काम में आने वाला आपको। ठीक है, बहुत रिसर्च करने के बाद मैं ये 3 ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ट्रिक्स क्या है सर बताइए? हाँ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, वेट करिए थोड़ा। गाइस ट्रिक्स क्या है, गाइस आप सोचो, ट्रिक्स बताना, पहले मैं एक स्टोरी बताता हूँ, पहले मेरा स्टोरी को सुनिए। गाइस आप कहीं पे जाते हो, कहीं पे जा रहे हो, एक मंकी का एक पूंछ नहीं होता है, एक आपने दिखा एक मंकी का पूंछ नहीं है, हाँ याद रहता, कहाँ दिखा था वो, चिड़ियाखाना में दिखा था, ये सब पूंछ नहीं था। एक लोग जिसका सर इतना बड़ा है, ठीक है, हाथ पैर बहुत पतला पतला है, ये बंदा आपको याद रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं? हाँ, कहाँ दिखा था वो भी याद रहता है, मतलब आप आज जब लोग देखते हैं बहुत आपको इसके बेसिकली वो याद नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्वेश्चन ये है, उसका आंसर ये है, क्योंकि हमारा जो माइंड जो है वो 2 टाइप का माइंड है। वन इज कॉन्शियस माइंड, जो इधर रहता है, यहाँ पर रहता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो क्या होता है, हमारा पीछे रहता है। कॉन्शियस माइंड काम क्या है और सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? कॉन्शियस माइंड हमेशा क्या होता है, कॉन्शियस होता है, बट सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमेशा कॉन्शियस नहीं होता है, हमेशा सारा का सारा पॉजिटिव केस ये मैनेज करता है, आगे वाला हिस्सा पीछे वाले से क्या होता है, उसका नेगेटिव चीजें हमेशा कैच करता है। मतलब नेगेटिव मींस क्या होता है, जैसे कि अजीब सा कुछ चीज को कैच करता है, नेगेटिव चीज कैच करता है, वो हमेशा सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आज बहुत बता रहा हूँ, ट्रिक्स ये होता है उसका काम। सर इसमें हमको क्या फायदा होने वाला है? हाँ फायदा तो आगे होने वाला है, जरा सुनिए। कई चीज ये जो ट्रिक्स मैं देने वाला हूँ, ये होता है, पहला ट्रिक्स मेरा नंबर ये रहा, यूज मेमोरी टेक्निक्स। पहला पॉइंट क्या हुआ मेरा, लॉजिक क्या निकला, यूज मेमोरी टेक्निक्स। ये जो मेमोरी जो है उसका ट्रिक्स लगाइए, उसके पैसे क्या लगाइए, ट्रिक्स लगाइए, देन ये याद रहेगा पूरा पूरा। ये कैसे हुआ सर? चलो गाइस बता रहा हूँ, एक वर्ड आया यहाँ पे, परजीवर। परजीवर सर, परजीवर वर्ड का मतलब तो कितना लंबा वाला वर्ड है, सुना ही नहीं कभी, हाँ सुना ही तो नहीं होंगे कभी, मैं जानता हूँ। ये परजीवर का मतलब क्या है सर? हाँ आपको कैसे याद रखेंगे, साथ में आपने बोल दिया ऐसा ही। गाइस इसको कर दो, परजी को कर दो परसों, देखो वर्ड को डिवाइड कर दो, छोटा कर दो उसको, ठीक है, उसका बीच में दरार डाल दो। परजी को कर दो परसों, बीर को कर दो बियर। हाँ ये कैसा बात है भाई, परसों से बियर, सर क्या पढ़ा रहे हैं आज, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखो आगे जाओ, देखो क्या होता है। गाइस मैंने क्या किया, परसों से मैं क्या पीऊंगा, बियर पीऊंगा, परसों से बियर मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, मैं क्या करूंगा, परसों से परजी बर मतलब क्या हुआ, परसों से बियर मतलब मैं परसों से बियर पीऊंगा, मतलब क्या करूंगा, मैं बियर को कंटिन्यू करूंगा, मतलब परजीवर का मतलब क्या निकला, कंटिन्यू करना, समझ में आया? ये क्या होता है, उसका छोटा सा ट्रिक्स को क्या बोलते हैं, यूज मेमोरी टेक्निक्स। ये मेमोरी के बाद क्या करना क्या है आपको, सबकॉन्शियस माइंड में पहले स्टोर होना है, और एक वर्ड के सामने ये रहा, देखो याद रहता है कि नहीं रहता है मुझे बताना। ठीक है, देन मैं बोला हैगर्ड। अरे सर हैगर्ड का मतलब क्या, ये भी हमारे लिए नया वर्ड है सर। हाँ ये तो नया वर्ड ही है, हैगर्ड मीन्स क्या हुआ, क्या होना, इसका मतलब क्या है, टायर्ड होना। देखो मैं इसको कैसे आपको याद रखवाता हूँ,
हाई को कर दो, हे गॉड को कर दो हे एंड गार्ड, हे एंड गार्ड। एक गार्ड क्या रहा था, काम का ड्यूटी में टाइम पे सो रहा था, मैंने बोला हे गार्ड क्यों सो रहा है, क्यों, वो क्या था, बहुत ही टायर्ड था। हे गार्ड, है गार्ड, याद रखो हे गार्ड, क्या गार्ड, याद रहा। देखो दोनों वर्ड को डिवाइड कर दो, याद रहेगा पूरा। हे गार्ड मतलब क्या हो गया, है गार्ड हो गया, मतलब बहुत सारा टायर्ड होना, मतलब क्या निकला उसका, टायर्ड बनना, हु इज वेरी टायर्ड, अंडरस्टूड। परजीवर क्या हुआ, परसों से बियर, हैगर्ड मीन्स क्या हुआ, टायर्ड होना। ये था उसका पहला नंबर, क्या था उसका, मेमोरी टेक्निक। गाइस इसको आपके हिसाब से याद रखिए, याद रहेगा, आप दूसरे के हिसाब से याद रखोगे कभी नहीं याद रहने वाला, ठीक है। और एक बात क्या है, लर्न फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस, ये क्या बात है सर, लर्न फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन मतलब क्या है। नहीं देखो आप कभी किसी के साथ बात कर, मैं बेसिकली ये सारा टेक्निक्स मैं अप्लाई करता था, ये मेरा लाइफ का स्टाइल है, मैं इसको कैसे ऐसे वर्कआउट में याद रखता हूँ बेसिकली, ठीक है। कहीं जब भी कभी कभी लोग किसी से बात करते हैं, आप भी सुने होंगे बहुत सारे लोग बात करते हैं इसी टाइम से, जब इंग्लिश में कभी बात होता है जो वहां पे जो वर्ड यूज करते हैं तो आपको कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नया वर्ड होगा तो आपको समझ में नहीं आता, ऐसा होता है ना चाहे। अच्छा तो हम क्या करेंगे, तो मैं क्या करता था, जब भी इसको लोग बात करते थे उस टाइम से, मैं जो वर्ड मुझे नया वर्ड मुझे मिला तो मैं उसको लेके आता था एंड उसको डिक्शनरी में सर्च करता, उस टाइम मोबाइल मेरे पास नहीं था, मेरे पास छोटा सा डिक्शनरी था, मैं इसको क्या करता, सर्च करता था इसका मतलब क्या है, मतलब क्या, उसको दिखता था, अच्छा इसका मतलब ये निकला, अच्छा तो ये जल्दी माइंड में स्टोर होता, क्योंकि मैं जो ये जो नया वर्ड मैंने वो जगह पे मैंने सुना था जिसके मैंने लोग बात कर रहे थे, हाँ ये अच्छा लगा। फिजिकल वोकैब्स का इंप्रूवमेंट वही समय शुरुआत होता है, ठीक है। ये था, ये गया उसका सेकेंड ट्रिक्स। गाइस ये वर्ड आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा क्योंकि आपने ये वर्ड उस जगह पे सुने थे, उस बंदे ने आपको बोला था, आपने सुने थे उस टाइम से, ये था उसका ट्रिक्स, समझ में आया। हाँ नंबर थ्री वाला टेक्निक्स मैंने बताया था, नंबर थ्री वाला टेक्निक्स ये है, बी ए क्रिएटिव एज पॉसिबल। जरा सोचो ये क्रिएटिव क्या चीज है, बी ए क्रिएटिव एज पॉसिबल, आप कितना भी हो सके, जो भी हो सके, आप बंदे क्रिएटिव बनिए, कैसे जो माइंड में ना है ना, ये सारा माइंड का गेम है, बी एन क्रिएटिव एज पॉसिबल। गाइस क्रिएटिव क्या है, आपका क्रिएटिव थॉट्स क्या है। गाइस जब भी मैं छोटा था उस टाइम से क्या हो रहा था, मैं सो मेरे मुझे याद वाट याद नहीं रहता था, ठीक है। सपोज सर ने बोला उसको याद रखिए रीड, उसको याद रखिए राइट, उसको याद रखिए सिंग, उसको याद रखिए प्ले। मैं पहले क्या करता था, उसको जो पहला लेटर है ना रीड का आर याद रखता था, डब राइट का डब्ल्यू याद रखता था, ठीक है, वाच का डब्ल्यू याद रखता था, तो ये जो पहला लेटर वाट को मैं माइंड में क्या करता, आर डब्ल्यू ई पी, मतलब आर से होगा ये, पी से होगा ये हो गया प्रिस, ठीक है, मैं ऐसे याद रखता था। ये क्या होता है, इसको क्रिएटिव आइडियाज बोलते हैं। तो मैं ये रूल अप्लाई करता था, आप भी कुछ नया रूल अप्लाई कर सकते हैं, कोई मना नहीं किया आपको, तो बहुत ईजी है, बहुत इफेक्टिव भी है, समझ में आ रहा है ना। जब भी पूरा पूरा चीज ये हम क्या करते थे, कॉपी करते थे, कभी जब एग्जाम में होता था ये पॉइंट याद नहीं रहता है, पॉइंट का पहला लेटर क्या था, ये था ये था, सेकंड था थर्ड था ये था, तो मैं इसको माइंड में बता देता था, हाँ ये वाला था इसका कंसेप्ट, ये जल्दी याद रहता है, ठीक है। ये थ्री था हमारा, थ्री मैजिकल कॉन्सेप्ट। सपोज ये ट्रिक्स कैसे काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा और भी एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। सपोज मैं गार्डन में बहुत सारा फ्लावर था, ठीक है, मैं गार्डन में गया था, बहुत सारा फ्लावर था उस गार्डन में, तो उसका नाम किसे याद रखना है मुझे, इतना बड़ा याद तो नहीं रहेगा। तो वन डे आई वेंट टू गार्डन, आई सॉ फर्स्ट आई सॉ फोल फुट ओलियंडर एंड चैनल। एक बंदा ने बोला फोल फुट ओलियंडर चैनल, ये याद नहीं रहेगा वो सारा चीज, मैं कैसे किया उसको, उसको पहला लेटर याद रखिए, एफ फॉर फोल फुट, ओ फॉर ओलियंडर, सी फॉर चाइना रोज। मैंने क्या दिखा था, एफ ओ सी दिखा था, क्या दिखा था, एफ ओ सी दिखा था, एफ फॉर फोल फुट, ओ फॉर ओलियंडर, सी फॉर चाइना रोज, याद रहेगा, एफ ओ सी दिखा था, याद आ गया, एफ ओ सी मतलब क्या था, फोल फुट ओलियंडर चाइना रोज, खत्म कहा, ये तो बात है। ये सर जो ट्रिक्स में बताया आपको, और भी आज मैंने कुछ वोकैब्स आपको नहीं दिया क्योंकि मैंने आपको बता रहा था गाइस, मैं बहुत सारा वीडियो में प्रोवाइड जो कर रहा हूँ वोकैब्स का, बंदे बहुत देख रहे हैं बट उसको याद नहीं रहता है। सर ने मुझे कमेंट, बच्चों मुझे कमेंट दिए थे सर ने, इस तरह जो बोल रहे हो बढ़िया बोल रहे थे बट सर उसको याद नहीं रह रहा है हमारा, इसको कैसे किया जाए, इसलिए इसलिए मैंने ये जो वीडियो में बना रहा हूँ उसी उसी बंदे के लिए जिसके पास आइडियाज तो है, बहुत सारा याद रखने, बहुत सारा पावर्स है, बट थिंग इज दैट टेक्निक्स नहीं है उनके पास। तो आज ये था कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला था, आपको मैं भी सॉरी आपको बता रहा था अभी इसके बारे में, तो हाउ टू रिमेंबर द वोकैब्स इन ए सिंगल मिनट और सिंगल सेकंड, अंडरस्टूड गाइस। तो आई होप सो गाइस ये थ्री टेक्निक्स मैंने जो बताया, पहले था आपका क्या, यूज मेमोरी टेक्निक्स, सेकंड में हुआ लर्न फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशन, थर्ड हुआ बी ए क्रिएटिव एज पॉसिबल। ये थ्री टेक्निक आपको लाइफ लॉन्ग तक याद रहने वाला और उसको काम में भी आ जाएगा,
जो मैं बुकस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इसको देखिए मत, देखिए दूसरे साथ शेयर भी कीजिए और ट्राई करो इसको आपका रियल लाइफ में जब भी किसी से बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, इसको अप्लाई करने के लिए। क्योंकि जब ये सारा चीज जो माइंड में रहता है ना वो अच्छा है, बट यूज नहीं करते वो क्या होता है, जंग लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ जंग मत लगाइए, यूज कीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। अंडरस्टूड गाइज? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, फॉर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द नेक्स्ट सेशन फॉर यू गाइज टू वे वंडरफुल वंडरफुल टॉपिक एंड वंडरफुल कंटेंट फॉर यू गाइज। तब तक एवरीवन शुड स्टे सेफ, स्टे होम। मैं हर रोज इसको कंप्लीट करता हूँ बिकॉज वायरस चल रहा है दुनिया में।